नमस्कार। तो मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। तो बहुत सारे लोग जो थे कि 15 अप्रैल का वेट कर रहे थे कि अब स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे, अपनी कोचिंग खुल जाएगी। तो छात्रों और अभिभावकों में जो एक टेंशन का जो माहौल था वो और बढ़ चुका है, क्योंकि इसी बीच 15 अप्रैल आने से पहले ही ना सरकार ने स्कूल कॉलेज कोचिंग कब खुलेंगे इसकी डेट बढ़ा दी है। तो जान लेते हैं क्या न्यूज़ आया है, और ये आज की ही न्यूज़ है। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि पल पल की खबर आपको सबसे पहले इस चैनल के थ्रू आपको मिल जाए। तो जान लेते हैं कि स्कूल कॉलेज कोचिंग लंबे समय तक बंद रहने का ऐलान किया गया है, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ये कब खुलेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको न्यूज़ पूरा समझ में आएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो ये जो न्यूज है, ये नई दुनिया की न्यूज है। देखिए, शिक्षा जगत की बड़ी खबर है कि देखिए, अगर बंद हो या ना हो, लेकिन देश भर के स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थाएं 15 मई 2020 तक के लिए बंद हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखिए, 15 मई तो बताया गया, लेकिन आगे फिर डेट बढ़ाकर क्या बोला गया है। बता दें कि जो बैठक हुई थी मंत्रियों की, ने सिफारिश की है, तो हालांकि अब अंतिम फैसला केंद्र सरकार को ही करना है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने सिफारिश की है कि स्कूल और कॉलेज का बंद 15 मई तक बढ़ा दिया जाए। इसके बाद गर्मियों की छुट्टी शुरू हो जाएगी, एक तरह से गर्मियों की छुट्टियों को मिला दिया जाए, क्योंकि 15 मई सरकार बंद करेगी, फिर गर्मी की छुट्टी हो जाएगी। तो अगर गर्मियों की छुट्टी को मिला दिया जाए तो स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं कि जून तक बंद रह सकते हैं। केंद्र सरकार ने सिफारिश पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके अलावा जीएम के लोगों ने सहभागिता वाली सभी तरह की धार्मिक गतिविधियां पर भी 15 मई तक रोक लगा दिया है। यानी आपके कोई बड़े मंदिर हो या स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान, सब 15 मई तक बंद हुए हैं। लेकिन क्योंकि गर्मी की छुट्टी होगी, तो अब जून को मान के चले, कुल मिलाकर जीएम ने सिफारिश की है कि 14 अप्रैल 2020 को अगर खुल भी जाता है, ठीक है, तो भी स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थाएं और भीड़ भाड़ी धार्मिक गतिविधियां वाली जगह बंद ही रहेंगे। तो यानी वो नहीं खुलेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि वो नहीं खुलेंगे। आगे भी इसके अपडेट है, वो भी देख लेते हैं। देखिए, इन सभी जगहों की समान गतिविधियां शुरू करने की अनुमति अभी कम से कम 4 सप्ताह यानी 1 महीने तक नहीं दी जा सकती है, ठीक है, वही बोला बोला गया है। ऐसे में ये सारी जगह कम से कम 15 मई से पहले खुलना संभव नहीं है। पाबंदी में धार्मिक आयोजन को भी इसलिए शामिल किया गया क्योंकि पिछले महीने जो निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के सम्मेलन में देश विदेश के काफ़ी लोग शामिल हुए थे, और उनमें से कई लोग जो है वो संक्रमित पाए गए थे, ठीक है। तो ये जीओएम जो है, इसका गठन इसी के कारण किया गया है कि देश की स्थिति की समीक्षा करने और प्रधानमंत्री मोदी को सुझाव देने के लिए। तो आप लोग मान के चलिए 15 मई सरकार बोल रही है, और फिर जून गर्मी की छुट्टी शुरू हो जाएगी, तो जून तक आप लोग के स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान सभी बंद रहेंगे जून तक। तो मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और चैनल वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।